रायसेन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुमताज खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव किया और राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर अनिल डामोर को दिया ज्ञापन। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ता एक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपर कलेक्टर अनिल डामोर को सौंपा, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। आपको बता दें कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया था। कांग्रेस ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का नाथुराम गोडसे को देशभक्त कहना अपने आप में देशद्रोह है। हालांकि भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को राष्ट्रीय सुरक्षा की सलाहकार समिति से हटा दिया है, लेकिन बार बार प्रज्ञा ठाकुर राष्ट्रपिता के हत्यारे को देशभक्त बता रही है। इस कारण राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर प्रज्ञा ठाकुर की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है। ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के लिए रायसेन से तिलक शाक्या की रिपोर्ट। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो की सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उनके हत्यारे को देशभक्त बोला है, तो आज हम यहाँ पर सब कांग्रेस परिवार के लोग और राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रभक्त लोग वो बापू के सभी चाहने वाले आज एकत्रित हुए हैं और रायसेन जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर और हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मांग करेंगे कि ऐसी सांसद को सांसद के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो हमारे देश के बापू के हत्यारे को देशभक्त कहती है। तो आज हम जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर महामहिम के नाम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में हम सीधे एक ही मांग कर रहे हैं कि ऐसी सांसद की सदस्यता निरस्त की जाए और उन्हें उनके पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। संदीप मालवीय। प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल से सांसद हैं, उन्होंने गांधी जी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त कहा, उसको लेकर उन्होंने भोपाल में जब चुनाव के बीच में भी उनको देशभक्त कहा था और अभी तो उन्होंने संसद में गोडसे को देशभक्त कहा, जबकि गांधी जी की हत्या की, ऐसे व्यक्ति को जो देशद्रोही आतंकवादी, ऐसे व्यक्ति को देशभक्त कहना कहाँ तक सही है, उचित है। और गांधी जी का जो योगदान है, सारे आप पूरे देश इस बात को जानता है, पूरा दुनिया इस बात को जानती है, हम लोग गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और ये लोग जो है गोडसे की विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं। आज दो विचारधाराओं की ये लड़ाई है, गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और प्रज्ञा ठाकुर जो वहाँ पे उसने सदन में जो बात कही, उसके खिलाफ़ उन्होंने जो एक्शन लिया, उसको जो समिति बनाई थी सुरक्षा समिति सलाहकार समिति, उससे हटाया है उन्होंने। और संसदीय दल जो उनका होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उनको जाने से उनको रोका है। तो हम ये मांग करते हैं कि उसकी सदस्यता, सदन की सदस्यता समाप्त की जाए और उसकी हम लोग मांग करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग इस बात। क्या नाम सम्मान में हम सब मैदान में महात्मा गांधी के सम्मान में हम सब मैदान।